देश में जनसंख्या वितरण की वजह से कई देशों में अलग अलग तरह की जनसंख्या नीति और कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वही जनसंख्या को कम करने के लिए जापान एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल जापानी सरकार टोक्यो छोड़ने वाले परिवारों को लाखों रुपए दे रही है। जी हाँ, लाखों रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूँ आलोक गुंड। आइए जानते हैं क्यों जापान इस समय सुर्खियों में है। दरअसल बात यह है कि जापान सरकार ने राजधानी टोक्यो से बाहर जाने के लिए प्रति 55 मिलियन यानी 10 लाख येन की पेशकश की है। येन जापान की करेंसी का नाम है। यदि हम लोग 10 लाख येन को भारतीय मुद्रा में समझे तो 6 लाख रुपए से लगभग अधिक होगा। जापानी अखबार निक्केई की रिपोर्ट के अनुसार 3 साल पहले सरकार ने यह स्कीम लागू कर चुकी है, लेकिन जापान के नागरिकों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाई थी। यदि बात की जाए अब तक कितने जुड़े हैं, तो 2019 में इस स्कीम के तहत 71 परिवार टोक्यो से बाहर जाकर बसे थे, 2020 में 290, जबकि 2021 में 1184 परिवार ने इस स्कीम का लाभ लिया था। वहीं अब पैसे 3 गुना बढ़ाकर अब जापानी सरकार यह उम्मीद कर रही है कि 2027 तक 10,000 लोगों को टोक्यो से बाहर ग्रामीण इलाकों में बसाया जा सके। यदि इस योजना के क्या लाभ हैं और कौन कौन पात्र हो सकते हैं, तो आइए उनको बता देते हैं और जानते हैं। जापान सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार परिवार में 2 बच्चे तो होंगे तो उन्हें राजधानी टोक्यो से बाहर बसने के लिए 3 मिलियन येन की सहायता राशि देगी। यह सहायता राशि 5 साल तक जारी रहेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में बसने के बाद युवा चाहे तो घर से ही काम भी कर सकते हैं या कोई बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। सरकार की तरफ से बिजनेस के लिए अलग तरह की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो ये था देश दुनिया की ताज़ा अपडेट। इसी तरह की ताज़ा अपडेट देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज।